उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और निषाद पार्टी साथ में उतरेंगी और भाजपा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने वाली है और रणनीतियां भी तैयार हो चुकी हैं। बात पराली की भी करेंगे, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों का दम घुटता है और ठंड के मौसम में कोहरे से ज्यादा पराली के धुएं की वजह से धुंध जैसा माहौल होता है। और अंत में बात होगी भारत और स्पेन के बीच हुई डील की। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और निषाद पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। भाजपा मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि साल 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हम साथ में मिलकर लड़ेंगे और आज दोनों दलों के नेताओं ने इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया। हमारे गठबंधन में अपना दल सोनेवाल भी जुड़ा है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले डॉक्टर संजय निषाद ने भाजपा से खुद को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनाव मैदान में उतारने की मांग करते हुए दावा किया था कि राज्य में निषाद समाज की 18% वोट है और 107 सीटों पर उसकी बिरादरी के मतदाताओं का निर्णायक भूमिका है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए अलग अलग समय पर भाजपा से कोई ना कोई शर्त रखने वाले डॉक्टर निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और वह भाजपा नेताओं के बयान पर सहमत में सिर हिलाते हुए दिखाई दिए। सुनिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा। पहले से आप सब जानते हैं कि आदरणीय संजय निषाद जी पहले से हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, राज्य के एक हिस्सा हैं। फिर 2022 के लिए दोनों दल मिलकर ताकत के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के दम पर विकास के रास्ते पर फिर हम सब आगे बढ़ेंगे और आदरणीय संजय जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में दोनों मिलकर राज्य के अंदर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पुनः फिर गरीबों की सेवा करने के लिए। पराली से अब कोई समस्या नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि धान की पराली अब कोई समस्या नहीं है और उन्होंने पड़ोसी राज्यों से फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए अपने किसानों को पूसा द्वारा बनाए गए जैव अपघटक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस सूक्ष्मजीवी घोल का दिल्ली में 844 किसानों की 4300 एकड़ से अधिक भूमि पर छिड़काव किया जाएगा। पिछले साल 310 किसानों ने 1938 एकड़ भूमि पर इसका इस्तेमाल किया था। यह घोल पराली को खाद में बदल सकता है। केजरीवाल ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के खरखरी नहर गांव में पूसा जैव अपघटक की तैयारियों का आगाज किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पराली जलाने की वजह से जो अक्टूबर नवंबर में धुआं होता है, पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर उसका समाधान निकालने की कोशिश की थी। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक किस्म का घोल बनाया है, बायोडिकम्पोजर बोलते हैं जिसको। पिछली बार लगभग 300 किसानों ने दिल्ली के अंदर इसे अपनाया था। लगभग 1950 एकड़ में इसको किया गया था। इस बार 4200 एकड़ में इसको किया डाला जा रहा है और 844 किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़्यादा बढ़ चढ़ के किसान सामने आ रहे हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को पता चलता है कि इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो घोल बनाना, घोल छिड़कना, सारा खर्चा मिला मिलू के 1000 रुपये एकड़ से भी कम पड़ता है, उसे भी काफ़ी कम पड़ता है। दिल्ली में ये सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है। अब हमारी अपील है सभी सरकारों से
कि अब हमें इसका समाधान मिल गया। जैसे दिल्ली सरकार अपने किसानों की मदद कर रही है, ऐसे बाकी सरकारें भी अपने अपने किसानों की मदद करें। रक्षा मंत्रालय ने 56C295 मध्यम परिवहन विमानों की खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 20,000 करोड़ रुपए का करार किया है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना को 48 महीनों के भीतर स्पेन की कंपनी 16 विमान सौंपेगी। बाकी के 40 विमानों का निर्माण भारत में ही होगा। आपको बता दें कि स्पेन की कंपनी टाटा के साथ मिलकर विमान का निर्माण करने वाली है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने करार पर हस्ताक्षर होने पर एयरबस डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विमान के निर्माण के लिए एयरबस डिफेंस और टाटा एडवांस सिस्टम्स के बीच संयुक्त परियोजना को मंजूरी मिलना भारत में उड्डयन और वैमानिकी परियोजनाओं की शुरुआत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।